कल एक इंसिडेंट हुआ था पंजाब में, जिसमें कोट कपूरा में एक प्रदीप सिंह कटारिया को गोलियां मारी गई थी और उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली हुई थी, जिसमें उनका पीएसओ और एक शॉपकीपर और इंजर्ड हुए थे और प्रदीप सिंह कटारिया की डेथ हो गई थी। प्रदीप सिंह कटारिया 2015 का बर्गरी का एक सेक्रिलेज का केस था, उसके एक्यूज थे और डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर थे। इस इंसिडेंट जो कि बड़ा सेंसेशनल था, इस पर स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस की टीम और एनआर की टीम ऑलरेडी काम कर रही थी, जिसमें सीआई सेल काफ़ी एडवांस स्टेज पे थी। इन्होंने इस केस को रिकॉर्ड टाइम में वर्कआउट किया और इसमें जो 6 लोग इन्वॉल्व थे, अभी तक 6 लोगों के नाम सामने आए हैं, उसमें से 3, 2 जुवेनाइल और 1 जितेंद्र सिंह अरेस्ट किया है। मैं मनीष चंद्रा जी को रिक्वेस्ट करूंगा आगे आपको बताएं। जैसा अभी डीसीपी मैक्स आपने बताया, तो इस पर स्पेशल सेल की टीम्स काम कर रही थी, डीसीपी एनआर साहब की टीम काम कर रही थी और सीआई की टीम काम कर रही थी। कल रात या बल्कि कहूँ आज अर्ली मॉर्निंग सफलता मिली, जब पटियाला का एक बख्शी वाला वहाँ पर पुलिस थाना है, वहाँ पर हमको इंटेलिजेंस मिली थी कि इस जो कल मर्डर हुआ है उसके अक्यूज वहाँ पर हो सकते हैं। एक रेड करी गई, जिस रेड में ये 3 मुलजिम, जिसमें 2 चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं और तीसरा जैसा बताया जितेंद्र है, ये 3 आदमी वहाँ से पकड़े गए। जो अभी तक इनको पटियाला से लाया गया और अभी तक जो जानकारी है जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं, वो ये है कि जैसा सोशल मीडिया पोस्ट पे गोल्डी बरार ने कल क्लेम किया था, तो मोटा मोटा वही चीज़ सामने निकल करके आ रही है। इस घटनाकांड में 3 अलग अलग मॉड्यूल थे जिनको जोड़ा गया था, जिसमें पहला मॉड्यूल जो है वो ये 2 CCL थे, दूसरे मॉड्यूल में जितेंद्र था और साथ में एक और हरियाणा का निवासी है जिसका नाम अभी ऑपरेशनल रीजन से आपको नहीं बता सकते, और जो तीसरा मॉड्यूल था उसमें पंजाब के 2 मेल थे और उन 6 में से 3 की गिरफ्तारी हुई है। जो CCL है उनको जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया जा रहा है, जो जितेंद्र है उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनकी PC ली जाएगी और उसके आगे जैसे चीज़ शेयर करने लायक आती है वैसा हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। सर, ये जो 3 गिरफ्तार हुए हैं, तो ये 3 एक ही मॉड्यूल की हैं या अलग अलग मॉड्यूल की हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए। इसमें जैसे मैंने बताया कि 3 अलग अलग मॉड्यूल हमको समझ में आए हैं, तीनों को हैंडल ऑन द फेस गोल्डी बरार ही कर रहे थे, उनके पीछे रिंदा थे या बाकी कौन था ये अभी पता चलेगा जैसे जैसे हमारी तफ्तीश आगे बढ़ेगी। ऑन द फेस गोल्डी बरार ही हैंडल कर रहा था, लेकिन 3 अलग अलग मॉड्यूल कहे जा सकते हैं। देखिए, जो इसमें गोल्डी बरार जिसने हैंडल किया है उसका सोशल मीडिया पोस्ट आप सबने देखा होगा, वही मोटिव आज की डेट में अगर मैं कहूँ, जो हालात मौजूदा हालात में जो तफ्तीश जहाँ तक पहुँची है, जैसे मैंने बताया कि सुबह 3:30 बजे पटियाला से लिया गया है, वहाँ से लेकर के 9:15 बजे के आसपास पहुँचे हैं, मेडिकल कराया है, अभी कोर्ट में पेश करेंगे, फिर उसके बाद तफ्तीश तफसील से बातचीत होगी। अभी तक वही मोटिव है जैसा गोल्डी बरार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे क्लेम किया था। बख्शी वाला ने सर ये कहाँ पे हाइड की, कहाँ छिपे हुए थे और क्या इनकाउंटर भी कोई हुआ आप लोगों के? नहीं, इनकाउंटर नहीं हुआ, हमारी इन्फॉर्मेशन सटीक थी, ऑपरेशन बहुत प्रोफेशनल था, तो इनकाउंटर की नौबत नहीं आई और एक तरीके से बहुत अच्छा हुआ, किसी तरीके का बल प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि इसमें 2 CCL भी है। सर, एक का प्रोफाइल बता दीजिए, दूसरा ये कि खालिस्तानी लिंक इसमें क्या है? देखिए, प्रोफाइल का जहाँ तक मैं बता दूँ, CCL का बट ऑब्वियस ही बात है, जितेंद्र एलियस जीतू जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों ये तफ्तीश पूरी इतनी जल्दी कैसे ज़ीरो इन हो गया, स्पेशल सेल की अलग अलग टीम ने कैसे ज़ीरो इन कर लिया, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जनवरी में आप सबको पता है यहाँ अलीपुर दिल्ली में प्रमोद बाजार नाम के आदमी की हत्या हुई थी। प्रमोद बाजार नाम के आदमी की हत्या के बाद जो मुलजिम उसमें पकड़े गए थे, वो प्रेस रिलीज सारी ऑन रिकॉर्ड है, उसमें जो मुलजिम पकड़े गए थे उन्होंने कबूला था कि प्रमोद बाजार की हत्या के एक हफ्ता पहले उन्होंने अंबाला में एक डबल मर्डर किया था। अंबाला का जो डबल मर्डर था उसमें हमारा मोनू राणा, भूपी राणा का एसोसिएट, कौशल चौधरी का एसोसिएट, उसका मर्डर हुआ था।
जिन लड़कों को प्रमोद बाजार के मर्डर में पकड़ा गया उन्होंने बताया कि उन्होंने अंबाला का डबल मर्डर भी किया था, और जब अंबाला का डबल मर्डर हुआ था तब 4 लोग थे जिसमें से 2 को स्पेशल सेल ने जनवरी में पकड़ लिया था, बाकी 2 की उस समय पकड़ नहीं हो पाई थी लेकिन पहचान हो गई थी, तो उन 2 में से एक जितेंद्र था। तो जनवरी फरवरी से ही स्पेशल सेल उस जितेंद्र को ढूंढ रही थी, हम उसे पकड़ नहीं पाए। कल जब ये इंसिडेंट हुआ है कोर्ट का पूरा फरीदकोट में, उसके बाद सीसीटीवी पर जो फुटेजेस निकली जो नेशनल मीडिया में वायरल हुई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उस फुटेजेस को देख करके सीआई के स्टाफ ने एक लड़के की पहचान कर ली कि ये जितेंद्र है। तो कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। सो ये जो जितेंद्र पकड़ा गया है, जीतू, ये अंबाला डबल मर्डर कर चुका था, तब से इसकी आइडेंटिटी और इसका नाम स्पेशल सेल को और बाकी तमाम अन्य फोर्सेस को पता था। कल की सीसीटीवी फुटेजेस में इसकी फ़ोटो की पहचान हो गई, वो लीड हमारे पास रही, हमने जल्दी पहचान कर ली कि इसमें जितेंद्र दिख रहा है। और इसके पीछे आपको पता है कि पिछले 2 सालों में स्पेशल सेल ने बहुत काम किया है, एक्सटेंसिव काम किया है, लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी दोनों अलग अलग जो गैंगस्टर्स हैं उनके ऊपर। तो जितेंद्र की पहचान होते ही हमारा हरकत में आना लाजमी था, ये आदमी वो है जो जनवरी में पहचाना था हमने, तब हम नहीं पकड़ पाए थे। उसके बाद ये हमको नवंबर में आके दिखाई पड़ता है, 10 नवंबर को दिखाई पड़ता है एक सीसीटीवी फुटेज में। तो ये प्रोफाइल है जितेंद्र का। जितेंद्र ने जब वो समय वो मर्डर किया था तब टाइगर राणा ने उसको अरेंज किया था, गोल्डी ब्रदर टाइगर राणा, काला जेठड़ी, लॉरेंस बिश्नोई। उस समय टाइगर राणा बैंकॉक में था, आपको पता है कि उसके बाद बैंकॉक से उसका प्रत्यर्पण कराया गया, उसको यहाँ लाया गया। तो जितेंद्र इसमें मेन कैरेक्टर है। सीसीएल दोनों जो हैं उनके बारे में अगर कुछ शेयर कर सकते हैं वो रिलीज में भी दे देंगे। ये दोनों सीसीएल जो हैं इनको गोल्डी ब्रदर से जोड़ा अंकित सिरसा ने। अंकित सिरसा आप जानते हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में था, डीसीपी मैक्स आपकी टीम ने उसको गिरफ्तार किया था। तो अंकित सिरसा ने जोड़ा दोनों सीसीएल वाले मॉड्यूल को गोल्डी ब्रदर से। जितेंद्र ऑलरेडी हमें पता है डबल मर्डर अंबाला वाले में था, उसके बाद कल ये दिखाई पड़ता है। इस तरीके से ये दोनों का प्रोफाइल और बैकग्राउंड है। थैंक यू। जी देखिए, मुकदमा हमारा नहीं है, मुकदमा पंजाब पुलिस में रजिस्टर्ड है, बहुत ही कॉम्पिटेंट फोर्स है, बहुत ही काबिल अफसर है वहाँ पर। हमारे पास एक लीड थी, जनवरी से हम किसी को ढूंढ रहे थे, वो हमको कल दिख गया। सो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि हमने पकड़ लिया। एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि पंजाब पुलिस की मदद करी है। सर, जो 3 फरार चल रहे हैं वो पंजाब मॉड्यूल के हैं? जी, जो 3 फरार चल रहे हैं उसमें से एक लड़का हरियाणा का है और बाकी 2 पंजाब के हैं। बट वारदात होने के बाद, जैसा आप सबको पता है कि 3 मोटरसाइकिल पर 6 लड़के आए, वारदात के बाद 2 मोटरसाइकिलों पर 6 लड़के निकले। तो जो 2 लड़के 2 मोटरसाइकिल पे 6 लड़के निकले, उनको 2 अलग अलग गाड़ियों ने रिसीव किया। तो उस तरीके से ये 3-3 बढ़ गए। तो वो 1-3 जो एक गाड़ी में गए थे उसमें 2 सीसीएल और जितेंद्र है, और दूसरे 3 जो दूसरी गाड़ी में गए थे उसमें हरियाणा का एक लड़का और पंजाब के 2 लड़के हैं। उनके बारे में अभी और इंटेलिजेंस डेवलप कर। देखिए, जो घटना की न्यूज से समझ में आया, जो पंजाब पुलिस के हमारे साथियों ने हमसे शेयर किया, और जो इन अप्रीहेंडेड सीसीएल और अरेस्टेड अक्यूज ने बताया, लगभग 50-55 गोलियां चलाई गई हैं। जी, जो इन्होंने बताया मैंने आपको वो बताया, फिर मैंने इससे पहले आपको ये बताया कि मौका हमारा नहीं है, पंजाब पुलिस की तफ्तीश है। अभी जो इनसे वेपन मिले हैं वो उस केस के हैं या नहीं है अभी ये नहीं कह सकते, वो फॉरेंसिक के बाद ही बता सकते। वेपन मिले हैं इनसे, वेपन मिले, पिस्टल्स मिली हैं, बट वो फॉरेंसिक जांच ही बताएगी कि ये वेपन वही है जो उसमें यूज़ हुए थे। और अभी तफ्तीश बिल्कुल शुरू हुई है, जैसा मैंने बताया कि सुबह 9:30 बजे पहुँचे हैं, अभी कोर्ट में पेश हो रहे हैं। आ जाए, पीसी रिमांड पे आ जाए, फिर दोबारा आपसे तफसील से शेयर करेंगे। आप कह रहे हैं कि इनका हैंडलर जो है गोल्डी बरारी था, वो वहीं से बारिश मिल रहा था, कब इनको जो है प्रदीप की हत्या के लिए कहा गया था गोल्डी बरारी? मैंने आपसे कहा ना कि सुबह 3:30 बजे पटियाला से लेकर के 8:30-9 बजे दिल्ली आए हैं, और आपसे 4-5 घंटे में हम बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी तफ्तीश उस डिटेल में कि मैं उसको फैक्चुअली शेयर करूँ और बाद में उसको ऑथेंटिकेट भी कर सकूँ, ये थोड़ा गलत होगा, मेरे लिए गलत होगा, प्रॉपर्टी भी गलत होगा। आपको बताया था दिल्ली में प्रमोद की हत्या हुई थी, उसकी जो आरोपी पकड़े गए थे उन्होंने बताया कि जो अंबाला वाला डबल मर्डर था उसमें, जी उसमें वो दोनों लोग थे, आकाश बलहमिया था। जितेंद्र का क्या रोल था? जितेंद्र उस जितेंद्र जितेंद्र उस डबल मर्डर में था लेकिन पकड़ा नहीं गया था। रोल क्या था सर जितेंद्र का उसमें? उस डबल मर्डर में 2 आदमी मारे गए थे, एक राउंड अबाउट पर गाड़ी को कॉर्नर करके गोलियां चलाई गई थी चारों तरफ से, तो उसमें 2 आदमी मरे थे।
सबने फायरिंग करी थी उसमें, तो दो जो नहीं पकड़े गए थे उसमें एक जितेंद्र था, दूसरा शेरा था जिसको बाद में हरियाणा पुलिस ने पकड़ लिया। दो अक्यूज उसके हमने पकड़े थे जब हम प्रमोद बाजार मर्डर केस पे काम कर रहे थे। सर, उस प्रमोद बाजार मर्डर केस में भी ये जितेंद्र वाला था? नहीं जी, उस केस के जितने भी अक्यूज थे वो अरेस्ट हो चुके थे, वो प्रेस रिलीज और रिकॉर्ड है, आप देख लेंगे।